छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर में ये हमला किया गया है नक्सलियों की तरफ से। तो रेल लाइन निर्माण कार्य में पेट्रोल टैंकर को उड़ाया गया है। तो हमले में 3 लोगों की मौत और फोर्स और नक्सलियों के बीच अभी भी जो मुठभेड़ है वो चल रही है। तो ये छत्तीसगढ़ के कांकेर में ये हमला किया गया है, बड़ी खबर इस वक्त की। तो नक्सली हमला हुआ है और अभी भी पुलिस और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ है वो चल रही है। रेल लाइन निर्माण कार्य में लगे पेट्रोल टैंकर को नक्सलियों की तरफ से उड़ाया गया है। तो नक्सली हमले में 3 लोगों की मौत, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जो है वो चल रही है। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर में ये नक्सली हमला किया गया है। तो कांकेर में नक्सली हमला हुआ है, रेल लाइन निर्माण कार्य में लगे पेट्रोल टैंकर को उड़ाया गया है और इस हमले में 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि फोर्स और नक्सलियों के बीच अभी भी जो मुठभेड़ है वो लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि इससे पहले जो पर्चा है वो यहाँ पर दिया गया था, चस्पा किया गया था, जिसमें धमकी दी गई थी। और अब ये छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सली हमला हुआ है, मुठभेड़ फोर्स और नक्सलियों के बीच लगातार जारी है और अब तक इस हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर में यह हमला हुआ है, रेल लाइन निर्माण कार्य में लगे टैंकर को उड़ाया गया है। तो नक्सली हमले में 3 लोगों की मौत।